सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दादा भाई टेक चैनल टेक की बात कब सब पल्टर पब्जी की तरफ से पब्जी जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडियन लॉन्च ना वाले उसमें वेरिफिकेशन स्टेप डाल दिया, मतलब ओटी वाला मोबाइल से, मतलब कुछ मोबाइल में जो मतलब एक ही नंबर से आप यूजर बना सकते हैं, कुछ वेरिफिकेशन लाया गया जिसे ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऐसा कुछ, मतलब उसी के बाद गेम चालू हो जाएंगे। और साथ ही एक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया कि मतलब जैसे मतलब एक गेम लॉन्च होंगे उसके बाद कुछ दिखा जाएंगे कैसे का मतलब इस गेम का मतलब कैसा का सिस्टम है, उसके बाद ही बैन हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके बाद में रह सकते हैं। मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ने रूल निकाला गया Samsung Galaxy Fold 3 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा अगस्त महीने में। और साथ ही उस इमेज कुछ देखने को मिला जो स्लैम शेप वाला फोन है उसके बारे में उसकी इमेज कुछ दिख चुकी है और देखने को बहुत बेहतरीन लग रहा है, मतलब ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन की दिखती है। आईफोन का फोल्ड हम करी Samsung Galaxy Fold देखने को मिला जो वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉर्ड जो 200 वाला 5G बैंड वाला कुछ है यूएसए मतलब अमेरिका और बहुत जगह देखने को लॉन्च हो गया, जिसमें स्नैपड्रैगन 480 वाला कुछ देखने को मिला है। ये बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ बजट रेंज वाला फोन है, मतलब इसके प्राइस में कुछ कन्वर्ट किया 17,500 के बीच देखने को मिलेगा। जो कैमरा दिया 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को मिला, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिला। बेहतरीन फोन है जो बजट रेंज के साथ ये ग्लोबली लॉन्च हो गया, इंडिया में देखने को मिला 15,000 के बीच देखने को मिला, बेहतरीन फोन हो सकता है। रिलायंस की तरफ से रिलायंस ने जो अपना 5G टेस्टिंग ट्रायल जो मुंबई में स्टार्ट कर दिया, बड़ी अच्छी बात यह है कि जियो ने जो ट्रायलिंग के लिए इक्विपमेंट है वो पूरा खुद के यूज किया, मतलब इंडिया मेड इन इंडियन इक्विपमेंट की यूज किया, मतलब दूसरे का जो बाहरी इक्विपमेंट है वो यूज नहीं किया। ये रिलायंस जियो की तरफ से बहुत बेहतरीन बात है जो खुद का यूज कर रहा है रिलायंस जियो, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा 5G मतलब 5G जो है सिस्टम देखने को मिल सकता है जियो की तरफ से। एमवे और मिडवे पे इन्हें ट्रायल करने किया है मतलब 5G ट्रायल। विंडो की तरफ से विंडोज 11 का डिजाइन कुछ लीक हुआ, मतलब वो डिजाइन अलग ही देखने को मिला, जो विंडोज 10 था उसे कुछ डिफरेंट देखने को मिला है और बहुत जल्दी आपको 24 जून को आप देखने को मिलेगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और आ रही विंडो की तरफ से, ऐसा उन्होंने कहा है कि जो विंडोज 10 वाले जो है उनको भी बहुत जल्दी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है कि जो विंडोज 7 और विंडोज 8 उनको भी अपडेट देने को कहा गया है, विंडोज मतलब विंडोज 11 जो है उनको भी अपडेट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन विंडोज की तरफ से देखने को मिली है ऐसे कुछ। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बहुत जल्दी आपको देखने। हॉनर 50 की तरफ से हॉनर 15 जो फोन है वो आप उसका लॉन्च हो चुका है मतलब चाइना में, उसकी कुछ देखने को 3 वेरिएंट देखने को, हॉनर 50 प्रो SE जो हॉनर 50 और हॉनर 15 प्रो उसमें आपको स्नैपड्रैगन 760 वाला प्रोसेसर देखने को मिला, और हॉनर 50 जो SE वाला 1 वेरिएंट है उसमें आपको मिले डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर देखने को। तीनों फोन में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला, 108+8+2 मेगापिक्सल कैमरा देखने को, और जो हॉनर 50 उसको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल देखने को मिला, और हॉनर 15 प्रो जो है उसमें आपको 2 पंचोलर कैमरा देखने को मिला 32+2 और 16 मेगापिक्सल देखने को, और जो अपना हॉनर 50 SE उसमें आपको 32 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा देखने को मिला है। तीनों फोन में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिली है, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को, और साथ ही जो दो फोन है उसमें आपको 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला है, साथ ही और 66 वाट का आउट ऑफ बॉक्स चार्जर देखने को मिलेगा, और इसमें हॉनर 50 में आपको 66 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें बेहतरीन प्राइस रेंज का लॉन्च जो हॉनर 15 जो रहेगा कुछ 28,000 के बीच देखने को, और हॉनर 15 प्रो जो रहेगा कुछ 38,000 के बीच, हॉनर SE जो रहेगा कुछ 30,000 के बीच। तीनों फोन में आपको गूगल का सपोर्ट देखने को मिलेंगे इस बार, और देखते हैं इंडिया में देखने को मिल सकते हैं ऐसे फोन। थैंक यू, सब्सक्राइब करना।